हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। सब कैसे हो? ठीक। तो बच्चों, हमने पिछली तासिका में कौन सा पार्ट देखना शुरू किया था? कौन सा? बंदरों की बागबानी। वेरी गुड। तो बच्चों, ये पार्ट हमने देखने शुरू किया था। हाँ, क्या था ना, थोड़ी गद्य पंक्तियां मैंने आपको बताई थी, पढ़ाया था। सब याद है? है यार आपको? ठीक है, मैं आज फिर से एक बार आपको यही पार्ट रिविजन के रूप में बताऊं। तो अपने बच्चों, झट से टेक्स्ट बुक निकालो और सी रफ नोटबुक निकालो। बच्चों, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7070 झट से निकालो। निकाला? ठीक है। तो बच्चों, आप मेरी तरफ ध्यान दो। ओके, देखो बच्चों, बंदरों की बागवानी। देखो, राजा राजू को फल फूल बहुत पसंद थे। एक राजा था, उसका नाम क्या था? राजवीर था। राजू सिंधे नहीं, विराजस आपका भाई नहीं, यहाँ पे इस पार्ट में राजवीर नामक एक राजा है। उस राजा को फल फूल बहुत पसंद है। उसने अनेक सुंदर बाग बगीचे लगवाए थे। राजा के सबसे बड़े बाग का माली मूलचंद था। राजा के सबके सबसे बड़े बाग का माली वो मूलचंद था। वो बहुत होशियार था। उस बाग के फल फूल सबसे अच्छे होते थे। राजा भी माली से बहुत पसंद था। देखो, इस पार्ट में, इस कहानी में बताया गया है बच्चों, एक राजा है, उसका नाम है राजवीर। उस राजवीर महाराजा को बच्चों फल फूल बहुत पसंद थे। उसने अनेक सुंदर बाग बगीचे लगवाए थे। राजा के सबसे बड़े बाग का माली मूलचंद था। वो बहुत होशियार था। तो देखो बच्चों, राजा का एक बड़ा सा बगीचा है। उस बगीचे का माली मूलचंद नामक एक नौकर है। वो बहुत होशियार था। उस बाग के फल फूल सबसे अच्छे होते थे। राजा भी माली से बहुत पसंद था। तो बच्चों, आगे देखो। बागों में बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था। झुंड, समूह, ग्रुप, आपको मालूम है, मैंने आपको पिछले टाइम आपको यहाँ पे लिख के दिया था। झुंड मंजे, झुंड का मतलब क्या है? समूह, ग्रुप। बाग में बंदरों का बड़ा झुंड रहता था। माली से उनकी दोस्ती थी। बंदरों को मीठे फल खाने के लिए देता था। देखो बच्चों, जो राजा का सबसे बड़ा बगीचा था, उस बगीचे का माली कौन था? मूलचंद था। हाँ, तो उसी बगीचे में बच्चों बंदरों का एक झुंड रहता था। बंदरों का एक समूह रहता था। माली ने उनकी दोस्ती थी। तो बच्चों, बंदरों और माली में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह बंदरों को मीठे फल खाने के लिए देता था। एक बार नगर में मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग अपनी कला दिखाने आए। सर्कस था, जादूगर था। मेले में तरह तरह के नाच गाने की व्यवस्था थी। तो बच्चों देखो, बाग में एक बंदरों का झुंड था। माली से उनकी गहरी दोस्ती थी। बच्चों, बंदरों और उस मूलचंद माली में गहरी दोस्ती थी। तो बच्चों, ये मूलचंद क्या करता था? उस बंदरों को मीठे मीठे फल खाने को देता था। एक बार उस शहर में मेला लगा था। बच्चों, मेला आपको मालूम है, मेला किसे कहा जाता है? कौन बता सकता है? हाँ बताओ। वेरी गुड। मेला मतलब बच्चों, जब जिस तरह हमारे गढ़ की या जो कुल देवता है, कौन है, कौन सा कुल देवता है बच्चों? काल भैरव। हाँ, जो मंदिर है, टेम्पल है,
वहां पे हेब में जो मेला लगता है ना, जिसे बोलते हैं मराठी में यात्रा, उसी तरह इस नगर में भी मेला लगा है। तो बच्चों जिस तरह उस बहरी डोंगर पे जो जिस तरह के तरह तरह के चीजें खेलने खेल कूद के सामान मिलते हैं, वहाँ पे पालना रहता है, मतलब ना बैठे ना पालना में, ट्रेन रहती है, तरह तरह के चीजें वहाँ पे मिलते हैं ना, आप खरीदते हो ना, बलून बलून भी होते हैं, कार्स, खाने के सामान, देखा है ना। इसी तरह बच्चों इस नगर में मेला लगा था। मेले में दूर दूर से लोग अपनी कला दिखाने के लिए आए थे। सर्कस था, आपने सर्कस देखा है बच्चों? हाँ, वो सर्कस था मेले में। जादूगर आया था, जादूगर आपको मालूम है जो जादू करता है, वो जादूगर आया था। मेले में तरह तरह की नाच गाने की व्यवस्था की थी। मूलचंद भी मेला देखने को जाना चाहता था, मूलचंद को भी वो मेला देखने के लिए जाना था, लेकिन बाग में उसे बहुत काम करना था। एक भाग में गोड़ाई करनी थी। बच्चे देखो, उस शहर में मेला लगा था, मेले में तरह तरह के सर्कस, जादूगर, तरह तरह के नाच गाने की व्यवस्था की थी, तो उस मूलचंद को उसको मेला देखने के लिए जाना था। लेकिन क्या था बच्चों, उस बगीचे में बहुत सारा काम पड़ा था, उस काम की वजह से वो उसे उसे जाना जा नहीं पा रहा था। एक भाग में गोड़ाई, बच्चों मैंने गोड़ाई का मतलब क्या है मैंने बताया था आपको, कोई बता सकता है गोड़ाई का मतलब? कौन बताएगा बच्चों? मिट्टी खोदकर भुरभुराई करना, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक भाग में गोड़ाई करनी थी, एक भाग के पौधों को सिंचाई करनी थी। माली सोचता रहा क्या करूं जिससे काम भी हो जाए और मेला भी देख सकूं। बच्चों यहां तक हमने देखा था, ये पाठ हमने यहां तक देखा, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अभी हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। अचानक उसे एक उपाय सुझा। देखो बच्चों, मूलचंद को मेला देखने जाना था, लेकिन बाग में बहुत सारे काम होने के कारण उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं मेले में। लेकिन अचानक उसे एक उपाय सुझा। मूलचंद ने गुड़ाई का काम पूरा कर दिया, फिर वह बंदरों के सरदार के पास पहुंच गया। देखो बच्चों, मूलचंद ने वो गुड़ाई का काम पूरा कर दिया, फिर वह जो बंदर थे, उनके मित्र थे, उनके सरदार के पास चला गया। उसने कहा, मैं मेला देखने जाना चाहता हूँ, मैंने सारा काम कर लिया है, पौधों को पानी देने का काम बचा है, तुम यह काम अपने साथियों से करवा दो। ये रहे मटके। बच्चों जो माली है, मूलचंद माली, उसने क्या किया, उसने एक उपाय सोचा। क्या किया, मूलचंद ने गोड़ाई का काम पूरा कर दिया, फिर वह बंदरों के सरदार के पास चला गया, जो उसके मित्र है बंदर, उनके सरदार के पास चला गया। उसने कहा, मैं मेला देखने जाना चाहता हूँ, मैंने सारा काम कर लिया है, सिर्फ पौधों को पानी देने का काम बचा है, तुम यह काम अपने साथियों से करवा दो। ये रहे मटके। इस तरह इस माली ने बंदरों को यह काम सौंप दिया। तो बच्चा आगे देखो, माली बंदरों के सरदार को काम सौंप कर मेला देखने चला गया। तो बच्चों माली ने क्या किया, पौधों को पानी देने का काम बंदरों को सौंप कर वो मेला देखने चला गया। आगे देखो बच्चों, बंदरों के सरदार ने अपने साथियों को बुलाकर कहा, हमारे मित्र माली ने पहली बार हमें कोई काम सौंपा है, हमें खाने के लिए हमेशा फेल देता है, हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। जब पानी देने का काम माली ने बंदरों के सरदार को
सो के वो मेला देखने चला गया। तो छट से जो बंदरों का सरदार है उन्हें अपने साथियों को सारे साथियों को बुला लिया और उनसे कहता है, हमारे मित्र माली ने पहली बार हमें कोई काम सौंपा है, वह हमें खाने के लिए हमेशा फैल देता है, हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। सब बंदर खुशी खुशी पौधों को सींचने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों, जो बंदरों के सरदार की यह बात सुनकर जो बाकी के बंदर है वो खुशी खुशी से पौधों को सींचने के लिए तैयार हो गए। देखो बच्चों, माली कितना होशियार है। माली ने बंदरों से मित्रता की थी, फ्रेंडशिप किया था। हाँ, अभी माली को मेला देखने जाना है, लेकिन बाग में बहुत सारे काम पड़े थे इसलिए वो जा नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में उसे एक उपाय सोचा, एक उसके दिमाग में आइडिया आई कि मुलचंद ने क्या किया, गोड़ाई का काम पूरा कर दिया, गोड़ाई का काम पूरा कर दिया। फिर वह बंदरों के सरदार के पास चला गया। उसने माली ने बंदरों के सरदार से कहा, मैं मेला देखने जाना चाहता हूं, मैंने सारा काम कर लिया है, सिर्फ पौधों को पानी देने का काम बचा है, तुम यह काम अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा कर दो, ये रहे मटके। यह बात सुनकर माली बंदरों के सरदार को काम सौंपकर माली कहाँ गया बच्चों, मेला देखने चला गया। तो झट से बंदरों के सरदार ने अपने साथियों को बुलाकर कहा, हमारे मित्र माली ने हमें पहली बार कोई काम सौंपा है, हमें वो काम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो माली उन बंदरों को मीठे मीठे पल खाने को देता था। सब बंदर सरदार की ये बात सुनकर सब बंदर खुशी खुशी सिंचाई पौधों के सिंचने के लिए पानी देने के लिए तैयार हो गए। आगे देखो बच्चों, सरदार ने बंदरों के सरदार ने बंदरों को मटके दिए। उसने कहा, सब पौधों को पानी देना है, पानी बर्बाद नहीं करना है, छोटी जड़ वालों पौधों को कम और बड़ी जड़ वाले पौधों को अधिक पानी देना है। देखो बच्चों, अभी क्या हुआ, उस बंदर के सरदार ने सभी बंदरों को बुलाया, हाँ बुलाया, और सब बंदरों को सरदार क्या कहता है, माली ने हमें पहली बार कोई काम दिया है, वो माली हमें मीठे मीठे पल खाने को देता है, तो माली का यह काम करना बहुत आवश्यक है। तो सरदार की बात सुनकर सभी बंदर खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों आगे देखो बच्चों, उस बंदर के सरदार ने सभी बंदरों को हाथ में मटके दिए, पानी के मटके दिए। उसने कहा, सब पौधों को पानी देना है, पानी बर्बाद नहीं करना है, छोटी जड़ वाले को कम और बड़ी जड़ वाले पौधों को अधिक पानी देना है। तो बच्चों देखो, सरदार क्या कहता है सारे बंदरों को कि जो छोटी जड़ वाले, वो बोलते हैं ना मराठी में लहान मूल मूल मूल, जो छोटे मूल वाले, जो छोटी जड़ वाले हैं, छोटे छोटे झाड़ हैं, छोटे पौधे हैं, उनको कम पानी देना है, और जो बड़े पौधे हैं, बड़े जड़ वाले पौधे हैं, उनको ज़्यादा पानी देना है। अभी देखो बच्चों, अभी बहुत मजा आया। आगे बंदर तुरंत काम में लग गए, ये सारे बंदर तुरंत काम में लग गए। वे बाग के तालाब में, वहां पे एक तालाब था, बाग के तालाब में पानी भर के लाते हैं मटके में, पौधे उखाड़ कर उनकी जड़ देखते हैं। देखो बच्चा, अभी बहुत मजा आएगा। ये सारे बंदर मटके ले लिए और सामने ही एक बड़ा सा तालाब है, वो मटके पानी से भर के वो लेके आए और उन्हें क्या किया, देखो बच्चों, बंदरों ने पौधे उखाड़ कर, जो छोटे छोटे पौधे हैं उखाड़ कर उनकी जड़ें देखते थे। जड़े मतलब बच्चों मूल, जड़े मतलब मूल, पराठे बोलते हैं मूल। हाँ, वो बंदरिया करते हैं, छोटे छोटे पौधे उखाड़ कर वो जड़ देखते थे, जड़े बड़ी होती तो उनको अधिक पन देते थे
और जड़ें छोटी होती तो कामी पानी कम देते। इस तरह उन्होंने बाग के सारे पौधे उखाड़ डाला। देखो बच्चों, बंदर के सरदार ने क्या कहा बंदरों से कि छोटे जड़ वाले पौधों को पानी कम डालो और जो पौधों की जड़ें बहुत बड़ी है उनको ज्यादा पानी डालो। लेकिन बंदर को क्या समझ में आएगा बच्चों, कौन सा जड़ छोटा है और कौन सा जड़ मोटा बड़ा है? तो उन बंदरों ने क्या दिमाग लगाया बच्चों, हर एक पौधा उखाड़ कर देख रहे थे उनके जड़ छोटे हैं या बड़े। उन्होंने क्या क्या, एक पेड़ उखाड़ा, एक पौधा उखाड़ा, देखा जड़ कितना है छोटा है तो पानी कम डाला और ऐसे फेंक दिया। दूसरी ओर गए, पौधे उखाड़ा, जड़ बड़ा है तो ज्यादा पानी डाले। इस तरह कर करके सारे बगीचे में जो पौधे थे वो उखाड़ कर फेंक दिए। तो बच्चों ऐसे कोई कौन पानी डालता है पौधों को? नहीं ना। लेकिन बंदर को क्या मालूम कौन सा जड़ छोटा है कौन सा जड़ बड़ा है? वो देखने के लिए सारे बंदरों ने सारे बगीचे के पौधे उखाड़ डाले। शाम को मूलचंद जब वापस आया, वो बहुत खुश था, उसे मेला बहुत अच्छा लगा था और उनका काम भी हो गया था। पर जब उसने सींचे हुए पौधों को देखा तो वह रो पड़ा। मूर्ख बंदरों ने मेहनत से लगाए उनके पौधों को बर्बाद कर डाला था। तो बच्चों सारे बंदरों ने क्या किया था, पौधे उखाड़ कर देख रहे थे, जड़ छोटा है तो कम पानी, जड़ बड़ा है तो ज्यादा पानी। ऐसे करते करते सारे बगीचे के जो पौधे थे वो उखाड़ रहे थे। जब शाम को मूलचंद वापस आया, मूलचंद वापस आया वो बहुत खुश था क्योंकि उसे मेला देखकर बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब वो बगीचे में वापस आया, वहां का सारा नजारा देखा, पौधों को उखाड़ा हुआ देखा तो वो रो पड़ा। क्योंकि मूर्ख बंदरों ने लगाए हुए सारे पौधे बर्बाद कर दिए थे, उखाड़ कर बर्बाद कर दिए थे। दुकान तुम्हें क्या, तो सच्ची का है जिसका काम उसी को साजे। इस पाठ में देखो बच्चों अंत में क्या गया कहा है इस पाठ के लेखक ने, जिसका काम उसी को साजे। कैसे लगा पाठ बच्चों, आपको समझ में आया? आया ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये पाठ पूरा खत्म होता है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर से एक बार बताओ, मैं पूरा ये पाठ फिर से आपको पढ़ा दूंगा। तो बच्चों अभी HW का टाइम हो चुका है, हाँ, तो मैंने कुछ सवाल प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए, तो अपने वो सीरियल नोटबुक में कॉपी करो। देखो बच्चों फर्स्ट पहला क्या है, मूलचंद ने बंदरों के सरदार के पास जाकर क्या कहा? दूसरा प्रश्न है बच्चों, बंदरों के सरदार ने अपने साथियों को बुलाकर क्या कहा? झट से लिख लो। हो गया बच्चों, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है वो बाद में स्क्रीनशॉट निकाल कर लिख लो। ओके, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो। बच्चों गुड डे एंड बाय, टेक केयर।